तो हाँ भाई लोग यार, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग यार बढ़िया होंगे। और देखो, इस वीडियो में बात करने वाले एक नई हिंदी डब मूवी के बारे में, जिसका प्रीमियर होने वाला है आज रात 8 बजे गोल्ड माइंस पे, जिसका नाम होने वाला है अंजाम पथिरा। और जो इसका हिंदी डब में नाम है वो होने वाला है पुलिस स्टोरी। और इसी के करेंगे रिव्यू, देखेंगे क्या देखने को मिला इसमें, क्या अच्छा था क्या बुरा था, इन सब बातों को बताएंगे डिटेल में। पर हाँ, इस इंटर के बाद तो अगर आपको पहले इसके स्टार कास्ट के बारे में बता दें तो इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं कुंचांको बोमन प्लस कुछ और भी अच्छे एक्टर मलयालम सिनेमा की तरफ से। फिर बात निकल के आती है इसकी कहानी क्या है, पूरी स्टोरी क्या है इसकी। तो इसकी स्टोरी यार फोकस करती है एक ऐसे करेक्टर के ऊपर जिसको यार क्राइम सोल्व करने में मजा आता है, और वो क्राइम सोल्व करने में केरला पुलिस का साथ देता है। तभी यार शहर में बहुत सारे मर्डर होने लगते हैं, और उसी केस को सोल्व करने में वो पुलिस की मदद करता है। पर क्या वो केस सोल्व कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इन सब बातों को जानने के लिए आपको देखना होगा मूवी को, जो मिल जाएगी आज रात 8 बजे गोल्ड माइंस पे। पर हाँ, अगर देखने प्लान कर रहे हो, जाने के बारे में सोच रहे हो, तो यार पहले वीडियो में 2 मिनट रुक जाओ, पहले सुन लो मूवी कैसे लगने वाली है, स्टोरी कैसी है, स्क्रीन प्ले कैसा है, बैकग्राउंड स्कोर कैसा है, एक्टिंग कैसे देखने मिलेगी, इन सब बातों के बारे में। तो अगर पहले बात कर ले कहानी से, तो देखो यार मूवी 2020 में आई थी, उसके बाद यार बहुत ज्यादा चर्चे में थी। उस टाइम भी यार मैंने मूवी को देखा था, और उसी टाइम भी मूवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। प्रशासन के बाद ही जस्ट मैंने इस मूवी को देखा था, और ये मूवी भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। और जब मैंने यार आज इस मूवी को दोबारा देखा, तब भी यार मेरा जो फीलिंग था इस मूवी के लिए वो ऐसा ही था। स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है, जिस तरीके से उसको नरेट किया गया है, जिस तरीके से कैरेक्टर राइटिंग की गई है पूरे कहानी में, वो चीज यार आपको पसंद आने वाली है। हर कैरेक्टर को टाइम देके जिस तरीके से सेट किया गया है, और साथ में जिस तरीके से यहाँ पे सीरियल किलर को दिखाया गया है, वो चीज आपको अच्छी लगने वाली है। वो जिस तरीके से मर्डर करता है, और जिस तरीके से हमारा हीरो उसको यार पकड़ता है, ये सब चीजें यार अच्छी हैं। खासतौर पर जिस तरीके से इसकी स्क्रीन प्ले को लिखा गया था, और उसमें जो सस्पेंस और ट्विस्ट थे वो लगभग यार A1 क्लास के थे। और सबसे आप कनेक्ट करने वाले हो, सबको देख के आप सरप्राइज होने वाले हो, काफी सारे ऐसे यार टर्न निकल के आने वाले स्टोरी की तरफ से, जहाँ पे आप हिल जाओगे और मूवी में आपका इंटरेस्ट यार और ज्यादा बनेगा, और ये गारंटी है। एक बात और है, पूरी मूवी का जो टोन था वो सीरियस टोन के साथ चलता है, जो यार अच्छी बात थी इस कहानी के लिए। अगर आपने रत्सासन देखी है तो सेम वैसी स्टोरी इसकी भी होने वाली है। और ये नहीं कि यार मैं इसका मतलब ये बोल रहा हूँ कि हाँ मूवी की प्लॉट कॉपी है या इंस्पायर्ड है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस यार कहानी सेम वैसी है, पर जैसे यार इसको रखा गया है वो चीज आपको लाजवाब लगेगी। अगर आपने रत्सासन को पसंद किया है तो भाई कसम से यार इस मूवी को भी पसंद करने वाले हो। उसके बाद इसमें जान डालता है इसका BGM A1 क्लास का, कसम से यार लाजवाब BGM, जहां पे सस्पेंस खुलेंगे और जहां पे स्टोरी बहुत जगह जब टर्न करती है, और वहां जो BGM बजता है, खासतौर पे जब सीरियल किलर या सामने आता है वहां पे जो BGM बजता है, केस को सॉल्व करते टाइम जो BGM बजता है, वो सब जगह यार लाजवाब था A1 क्लास का, और उसकी तारीफ यार बनती है, जिससे यार मूवी का लेवल और ज्यादा आगे बढ़ता है। पूरी मूवी का जो प्रोडक्शन क्वालिटी था वो भी यार लगभग अच्छा था। एक बात और है, मूवी को यार ज्यादातर रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की गई है, जिससे आप पक्का कनेक्ट करोगे, जो एक और अच्छी बात है पूरे मूवी के लिए। अगर बात करना है इसमें एक्टिंग के बारे में, तो जो मेन लीड में एक्टर थे प्लस जो पुलिस वाले थे, और इनसे अलग जो सीरियल किलर था, और इनसे अलग भी बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस जो हैं, उन सब का काम यार बहुत ज्यादा अच्छा है। लगभग सभी ने अपने कैरेक्टर को अच्छा टाइम दिया है, और सभी के कैरेक्टर को अच्छे से लिखा गया था, और उसी हिसाब से उन लोगों ने प्ले भी किया है, जिससे आप कनेक्ट कर जाते हो हर कैरेक्टर से, और ये बोल सकते हैं कि यार सभी की तरफ से काम अच्छा देखने को मिला। तो अगर ओवरऑल बात करें पूरे मूवी के बारे में, तो मूवी यार अच्छी है। अगर आपको पहले देखना है तो यार अमेज़न प्राइम पे जाके देख सकते हो, इसकी यार गारंटी है कि वो पसंद आने वाली है आपको, और 100% आने वाली है। मूवी की चाहे स्टोरी हो, स्क्रीन प्ले हो, बैकग्राउंड स्कोर हो, एक्टिंग हो, चारों डिपार्टमेंट में यार मूवी नंबर 1 की है, और जिसके वजह से आपको पसंद करना ही पड़ेगा। देखोगे तो आपका इंटरेस्ट बनेगा मूवी में, और जब तक खत्म नहीं होगी तब तक छोड़ोगे नहीं। ये नहीं है कि यार मूवी कहीं लेंथी महसूस होती हो या आपको बोर करती हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा मूवी की तरफ से, जो एक बढ़िया बात थी। अगर हिंदी डब के बारे में बोल रहा हूं, तो देखो यार देखने क्या सुनने को मिलता है। फिलहाल जो इसका प्रोमो निकल के आया था उसमें सब में अच्छा सुनने को मिला था, उम्मीद है कि यार अच्छा सुनने को मिलेगा, जिसका चांस ज्यादा है। अगर कुछ खराब सुनने को मिलता है तो कमेंट करके बता दूंगा। तो यार इसी के साथ लास्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बाकी अगर जाके यार मूवी को देखो, देख लियो तो कमेंट करके बता दो कि आपको कैसे लगी थी मूवी, और नहीं देखो तो जाके देखो और आके बताओ। मिलते नए वीडियो साथ में, तब तक यार इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। बस खत्म करते हैं वीडियो को।